नमस्कार, न्यूज़ 18 सहरसा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। फसल क्षति योजना का गाइडलाइन क्या है और किसानों का इसका लाभ कैसे पहुंचेगा, वो तमाम जानकारी जिला कृषि पदाधिकारी ज्ञान चंद्र शर्मा दे रहे हैं। उन्होंने बताया है कि जो फसल क्षति है वो 2022 में नहीं हुई है, जिस कारण किसानों को जो मुआवजा है वो नहीं मिला है। और ऐसे में उन्होंने यह भी बताया है कि बिचौलियों के चक्कर में किसान ना पड़े, बिचौलिया के द्वारा जो है जो लोभ दी जाती है किसानों को पैसे दिलाने को लेकर। उन्होंने अपील किसानों से भी की है कि आप लोभ जो बिचौलियों द्वारा जो लोभी दिया जाता है उसके चक्कर में ना पड़े, जो सीधे सरकार का जो वेबसाइट है उन पर जाकर आप ऑनलाइन करें, उसके बाद जो वहाँ पर जो गाइडलाइन है वो बताया जाएगा और उसके बाद आपके खाते में जो मुआवजे की जो राशि है वो आप तक पहुंचेगी। पहले जिला कृषि पदाधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं पहले वो आप सुने। फसल क्षति अनुदान, जब फसल में 33% से ज़्यादा की क्षति हो जाती है और सरकार द्वारा अनुदान दिए जाने की घोषणा की जाती है, तब पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल पे किसान ऑनलाइन आवेदन करते हैं। आवेदन करने के बाद एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं और आवेदन को सत्य पाए जाने पर अग्रसारित करते हैं। उसके बाद जिला कृषि पदाधिकारी के पास आता है, जिला कृषि पदाधिकारी यदि इसे सत्य पाते हैं तो इसे अग्रसारित करते हैं और यह DBT सेल पटना से किसानों के खाते में डायरेक्ट भुगतान किया जाता है और उस खाते में जो NPCI लिंक्ड खाता होता है उसी खाते में भुगतान किया जाता है। कितना फसल क्षति पर ये मुआवजा मिलता है सर? और फसल क्षति मुआवजा 33% से ज़्यादा क्षति होने पर जो सिंचित फसल है, सिंचित रकबा है, उसमें 13,500 रुपया प्रति हेक्टेयर और जो असिंचित रकबा है उसमें 6,800 रुपया प्रति हेक्टेयर एवं जो पेरिनियल क्रॉप्स है जैसे बागवानी वगैरह हो गया तो उसमें 18,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से उसका भुगतान किया जाता है। 2022 में सर इस तरह का कुछ मामला भी जिले में आया है क्या? 2022 में कोसी प्रक्षेत्र में खासकर सहरसा जिला में कहीं कोई बाढ़ की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई और फसल क्षति नहीं हुई, इसलिए फसल क्षति का लाभ किसानों को नहीं दिया गया है। आगे अगर इस तरह की मामला होता है तो किसान इसको लेकर ऑनलाइन कर सकते हैं? हाँ, सरकार के निर्णय के अनुसार सरकार से आदेश आ जाता है कि हाँ फसल क्षति का मुआवजा दिया जाएगा, पोर्टल खुलेगा तो उस समय किसान आवेदन कर सकते हैं। अमूमन ऐसा भी देखा जाता है सर बिचौलियों का हाथ भी इसमें होता है, तो क्या इसमें बिचौलियों का भी हाथ होगा अगर इस तरह से की जाएगी तो किसानों को? आवेदन ऑनलाइन होता है और उसका सत्यापन एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर करते हैं, तो हम किसानों से यह अपील करते हैं कि किसी भी बिचौलिए के चक्कर में ना पड़ें। कृषि विभाग के 2 कर्मचारी हमारे क्षेत्र में हैं, पंचायत में हैं, हर पंचायत में हैं, किसान सलाहकार और एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर। तो किसानों से हम यही अपील करते हैं कि इन्हीं 2 लोगों से संपर्क रखें, बाकी तीसरा कोई भी यदि आपको कह रहा है कि हम दिला देंगे या तुमको फ़ायदा पहुंचा देंगे तो वह एक बिचौलिया है और उसके चक्कर में ना पड़ें।